नमस्कार, मैं प्रिय रंजन और आज के इस एपिसोड में आईएक्स स्टॉक को डिस्कस करेंगे। आईएक्स मैंने क्या कहा, 200 इज नॉट अ टेक्निकल रेजिस्टेंस बट आल्सो अ साइकोलॉजिकल रेजिस्टेंस। कई बार 200 के एकदम लेवल से ही जो है स्टॉक में ब्रेकडाउन देखने को मिला, लेकिन यकीनन जितनी बार ब्रेकडाउन हुआ उससे बड़ा आपको ब्रेकआउट देखने को मिलेगा। पोटेंशियली यहाँ से ये स्टॉक आउट परफॉर्मर है और इस बात को मैं 120 के प्राइस से रिपीट कर रहा हूँ। तो एपिसोड में आगे बढ़े इससे पहले, अगर बाजार के बेसिक्स टू एडवांस जैसा अगर मेरा एनालिसिस आपको बेहतर लगता है तो आप हमारे मार्केट एनालिसिस मार्केट साइंटिस्ट के जो मार्केट क्लास है उसको ज्वाइन कर सकते हैं। 50,000 चार्जेस हैं, पर्सनल क्लास है, उसके साथ प्रीमियम टेलीग्राम बिल्कुल फ्री है, उसको ज्वाइन करें। और रेगुलर ट्रेडिंग गाइडेंस की सर कब अपसाइड डाउनसाइड वगैरह चाहिए तो आप स्टॉक के थ्रू लिंक अकाउंट ओपन करें और आप मुझे अपडेट करें। और व्हाट्सएप ग्रुप हमने बना दिए हैं टेलीग्राम के साथ साथ, उसको भी ज्वाइन करेंगे। यहां देखें तो इसकी डिलीवरी तो बेटर दिख रही है, बस बीच बीच में ट्रेंड जो है ऊपर से प्रॉफिट बुकिंग दिखती है। नहीं तो अगर मंथली टाइम फ्रेम पे देखें तो स्टॉक काफी आउट परफॉर्मर है। 3 मंथ के टाइम फ्रेम पे देखें तो स्टॉक आउट परफॉर्मर है। अपडेट में कुछ भी अपडेट नहीं है। 5 अगस्त वाला जो मंथली वॉल्यूम अपडेट है वही अपडेट है। स्टॉक अंदर बैन एफएनओ वाली न्यूज है और आज निफ्टी बैंक निफ्टी भी काफी ट्रेंडिंग है और आईएक्स में भी देखेंगे तो लगभग 3% की तेजी दिखी है विद वॉल्यूम ऑफ अराउंड 1.25 CR। और 1.25 CR इज लाइक अ हायर कॉमन वॉल्यूम है, ऊपर के जो वॉल्यूम है वो इसी के आसपास के दिखते हैं, 1.25 to 1.5 CR। और इसके अलावा अगर चार्ट को देखें जो पावर सेक्टर है वो सेक्टर पूरा एक रेजिस्टेंस जो काउंटिंग वाले दिन थे उसके जो हाई है उसको नहीं ब्रेकआउट कर पा रहा है, वहीं से रेजिस्टेंस बना रहा है। हालांकि ये कंसोलिडेट जोन है, अगर यहां से ब्रेकआउट हुआ तो काफी कंटिन्यूटी दिखेगी। लेकिन आईएक्स को देखें, आईएक्स जो है इस समय एक साइकोलॉजिकल रेजिस्टेंस को फेस आउट नहीं कर पा रहा है। यहाँ देखेंगे ये साइकोलॉजिकल लेवल है और इस समय कंसोलिडेट कर रहा है। और रियल ट्रेंड देखें 200 के ऊपर का जो ब्रेकआउट है, 200 के ऊपर का जो ब्रेकआउट है यहाँ पे अगर मैं आपको दिखाऊं तो प्रोबेबिलिटी ये स्टॉक जो है 250 जैसा लेवल, यहाँ ये ट्रेंड यहाँ से 250 जैसा लेवल दिख सकता है। ये एक मेजर कंसोलिडेट जोन है और जब तक मिनिमम ये स्टॉक 168 के नीचे नहीं जाता है ओवरऑल ट्रेंड स्ट्रांग है और मुझे लगता है कि ऊपर के ट्रेंड को फाइंड आउट करने चाहिए। ये जो RSI है मंथली टाइम फ्रेम पे वो देखेंगे काफी बेहतर है 62 के आसपास, और हायर ट्रेंड में ये RSI जो है यहाँ देखेंगे लगभग 93 तक जाता है। ये 93 वाला जो RSI है ये ऑल टाइम हाई का है, तो प्रोबेबिलिटी RSI भी ऐसा नहीं है कि काफी स्ट्रांग हो चुका है, अभी ट्रेंड होना बाकी है और प्रोबेबिलिटी ये स्टॉक आउट परफॉर्म है फॉर द नेक्स्ट 3 to 5।